साहब जी देखिए, जिंदगी आपकी है, ये बहस जितना करना हो, और हमारे आपके आज के बहस के 10 साल पहले भी बहस हुई होगी जी नशेबंदी पे, उड़ता पंजाब। मैं तो पंजाब में रहा भी हूं, जो सिंपल सिंपल दवाइयां आती हैं टैबलेट वगैरह, उसका भी नशा होता है। तो सबसे पहले नशा करने वाले को उसके परिवार वालों की जिम्मेदारी होती है। देखिए, आप अपने आप को रोक सकते हैं तो रोक लीजिए, कैसी जिंदगी चुननी है वो आप चुन लीजिए, बाद में दोष सरकार को दीजिएगा और दरोगा को दी। भाई कोई आपके मुंह में बोतल ठूंस के थोड़ी भर रहा है, बोतल ठूंस के भर रहा है कि भाई पियो, जबरदस्ती आपको कोई नशा करवा रहा है। तो मैं इसीलिए मैंने अपने पहले फेज में बोला था, सरकार और समाज में दोनों की बात करता हूं। आप 100 साल और डिबेट करते रहिए अमिताभ जी, हम जी लोग मिलते रहेंगे, भगवान करे ऐसे नहीं होगा। मैंने शराब नहीं पी, या आप लोगों में बहुत से लोगों ने शराब नहीं पी होगी आज तक, रोज ठेके के सामने से गुजरते तो है ही ना। तो हम ये क्यों नहीं सोचते हैं, और हम हर चीज सरकार के ऊपर छोड़ देते हैं, सरकार ने बंद कर दी, जी कौन बोल रहा है कि आपको जबरदस्ती शराब पीजिए या नशा कर दिए। आपको अपने जान की परवाह नहीं है तो दूसरे को क्यों होगी, आप डिमांड करते हो इसलिए चीजें आती हैं। तो ये तो मोरल और कैरेक्टर बिल्डिंग का है, जी परिवार वाले रोकते नहीं जी है, बाप अगर पी रहा है तो बेटे को कैसे रोकेंगे। जी तो जो पारिवारिक शुचिता की बात होती है वो कर लिया जाए, वो रुक जाएगा, बाकी फिर लोग सड़कों पे बेचे, कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा। जी